हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज टेम्परेट ग्रासलैंड प्रेरीज। वी विल लर्न अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड प्रेरीज, है ना। तो टेम्परेट ग्रासलैंड वाला रीजन कौन सा होगा बच्चों? ये जो हमारा 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर के बाद यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। इसके बाद वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड टेम्परेट रीजन, है ना। ये हमारा होगा टेम्परेट रीजन। सो हेयर वी विल लर्न अबाउट द लोकेशन एंड एक्सटेंट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, लाइफ इन ग्रासलैंड, फिजिकल फीचर्स इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द प्रेरीज। कैन यू आइडेंटिफाई दिस एनिमल एंड नेम इट? सो दिस इज बाइसन, ठीक है, बाइसन्स हैं ये। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन बोथ द सदर्न हेमिस्फीयर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अभी हमने बताया बच्चों, ये देखो, ये हमारा 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटर है, और इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा ये हमारा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इसके नीचे वाला हिस्सा, इक्वेटर के नीचे वाला, ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है। दिस वन इज सदर्न हेमिस्फीयर। अब ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और इसके बाद वाला जो रीजन है ये टेम्परेट है। तो ये जो टेम्परेट रीजन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। द टेम्परेट जोन लाई बिटवीन 23 degrees 61 1/2 degrees लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे स्प्रेड अक्रॉस एशिया। यहाँ पे देखो 23/1/2, 66/1/2 से नॉर्थ है, और यहाँ 23/1/2 से 66/1/2 degrees, ये तुम्हारे लैटिट्यूड्स हैं। तो इन लैटिट्यूड्स पर हमारा क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जैसे बड़े बड़े कंट्रीज को क्या कर रही है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका तो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इन कॉन्टिनेंट्स को कवर कर रहे हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, ये सारे हमारे कहाँ हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स तो हैं, लेकिन ये कहाँ हैं, साउथ पार्ट में हैं। नाउ दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। अलग अलग कॉन्टिनेंट में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, वेल्स इन अफ्रीका, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज इन यूरोप एंड पैम्पाज इन साउथ अमेरिका। तो अलग अलग जगह पे हम उन ग्रासलैंड को अलग अलग नाम से जानते हैं। ये है ग्रासलैंड ही, अगर हमने कभी डाउन बोल दिया दैट मीन्स ये भी एक ग्रासलैंड है, वेल्ड बोल दिया ये भी एक ग्रासलैंड है, लेकिन अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम है। तो हेयर वी विल लर्न अबाउट द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका। प्रेरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेन फॉरेस्ट हैव ट्रीज एंड ग्रासलैंड आर द सीज ऑफ ग्रास। रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, ग्रासलैंड, अब ग्रासलैंड्स वहां बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं, जिन्हें सीज ऑफ ग्रास बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप पहले अच्छे से देख लो बच्चों, ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे यहाँ पे एंटार्क्टिका। तो ये हमारे ये 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं। ये ग्रीनलैंड के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में इसको कवर कर लिया है। अब ये 0 डिग्री पे देखो, यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर की लाइन पास हो रही है, तो इक्वेटर के ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर टेम्परेट जोन है, ऐसी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे भी टेम्परेट जोन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो द प्रेरीज आर ट्रीजलेस ग्रासलैंड्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। समुद्रों से दूर बड़े बड़े ग्रास के मैदान को ही क्या बोले जाते हैं, प्रेरीज बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका में। प्रेरी का मतलब क्या होता है, मीडो और ग्रासलैंड, घास के मैदान। नाउ इट इज अ फ्रेंच वर्ड, ये एक फ्रेंच वर्ड है। प्रेरीज आर सराउंडेड बाय द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट एंड ग्रेट लेक इन द ईस्ट। मतलब अगर ये बीच में क्या है बच्चों, प्रेरीज है, तो प्रेरीज के क्या है, ये ग्रासलैंड, घास के मैदान है, तो इसके जो वेस्ट और ईस्ट साइड में है, तो वेस्ट साइड में क्या है, रॉकी माउंटेन्स है, वेस्ट साइड में रॉकी माउंटेन्स है, और ईस्ट साइड में क्या है, लेक्स है, ग्रेट लेक्स, तालाब है, ठीक है, और यहाँ बीचों बीच क्या है, हमारे प्रेरीज है। दे स्ट्रेच फ्रॉम कैनेडा इन द नॉर्थ अप टू मैक्सिको इन द साउथ। ऊपर कैनेडा से लेके नीचे मैक्सिको तक ये मैदान है। दे आर ऑलवेज मिडवे बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल, इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में है।
अब एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, डज नॉट हैव एनी ग्रासलैंड, जिसमें कोई भी ग्रासलैंड नहीं मिलता। देखो हमने जो बाकी के कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं उनमें कोई ना कोई ग्रासलैंड मिल रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स मिल रहा है, वेल्स मिल रहा है, अफ्रीका में प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका में स्टेपीज, यूरोप में पैम्पास, साउथ अमेरिका में, लेकिन यहाँ एक कॉन्टिनेंट मिसिंग है, वो कौन सा है? एंटार्क्टिका। क्यों? क्योंकि एंटार्क्टिका में कोई भी ग्रासलैंड नहीं होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर वो बर्फ से ढका रहता है। नाउ फिजिकल फीचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, तो द प्रेरीज आर वास्ट स्ट्रेच ऑफ जेंटली स्लोपिंग लोलैंड इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मतलब इनका स्लोप ऐसा है, जेंटल स्लोप, स्टीप स्लोप नहीं है, एकदम खड़ा जेंटल स्लोप है ना। नेक्स्ट, दिस एरिया वॉज वंस कवर्ड विथ थिक एंड टॉल ग्रासेस, पहले यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घास के मैदान थी और ग्रास भी बहुत ऊंची ऊंची। नाउ इट वॉज अ ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ बाइसन्स, बहुत सारी जो बाइसन्स है जो हमने इमेज में देखी है, इनका ये ग्रेजिंग ग्राउंड था, मतलब यहाँ पे वो चलने के लिए जाती थी। द मिसिसिपी मिसूरी रिवर्स अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द प्रेरीज, प्रेरीज में मिसिसिपी और मिसूरी रिवर फ्लो होती है, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी फ्लो होती है। एवरेज क्लाइमेट यहाँ का समर सीजन हॉट रहता है और विंटर सीजन बहुत ठंडा रहता है। एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर होती है, विच इज मोस्टली ड्यूरिंग द समर सीजन, और ये बोल रहे हैं समर सीजन में मोस्टली होती है। क्लाइमेट जो है यहाँ का समुद्र से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता, इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सी, मतलब सी विंड्स यहाँ तक नहीं पहुंचती कि इससे इनका क्लाइमेट इन्फ्लुएंस्ड हो। नॉर्दर्न पार्ट रिमेन्स अंडर द स्नो कवर ड्यूरिंग द विंटर सीजन, नॉर्थ पार्ट में विंटर सीजन में क्या होता है, स्नो से कवर्ड होता है। और अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज ग्रेटली फ्रॉम ईयर टू ईयर, और हर साल जो ये रेनफॉल है इसका अमाउंट क्या होता जा रहा है बच्चों, चेंज होता जा रहा है। नाउ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो वेजिटेशन इन द टेम्परेट ग्रासलैंड प्राइमरली इंक्लूड टॉल एंड शॉर्ट ग्रास, मतलब बहुत लंबी ग्रास भी होंगी और बहुत छोटी भी होंगी, है ना। तो टॉल एंड शॉर्ट ग्रास दोनों टाइप की ग्रासेस हमें यहाँ पे मिलेंगी, तो टॉल भी मिलेंगी और शॉर्ट भी मिलेंगी। Now, tall grasses grow in areas that receive heavy rainfall, जहाँ लंबी grasses है that means उस area में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन जहाँ short grass grow हो रही है that do not have much rain, वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं हो रही उन parts में। During autumn the grasses wither and turn into hay, मतलब सूख जाती है। A few trees grow along the coast in the southern temperate grassland, southern temperate grassland में कुछ trees भी grow हो जाते हैं grass के साथ में। नाउ नेक्स्ट इज द ग्रासलैंड इन टेम्परेट जोन आर इनहैबिटेड बाय वेरियस ग्रेजिंग एनिमल्स एंड रोडेंट्स, बाइसन्स आर कॉमनली फाउंड इन द ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड लायंस, एलिफेंट एंड एंटीलॉप्स आर फाउंड इन द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका। अब जो टेम्परेट जोन की ग्रासलैंड है वहां पे जनरली क्या होते हैं, बहुत सारे जानवर वहां जाते हैं उसको चरने, रोडेंट्स बहुत सारे चूहे वगैरह मिल जाएंगे, बाइसन्स एक इनकी स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ बफेलोज जो बाइसन है वो मिलते हैं। जो ग्रासलैंड्स नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड में बाइसन्स बहुत कॉमन है, लायन और एलिफेंट और एंटीलॉप है वो साउथ अफ्रीका में बहुत कॉमन है। ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड आर होम टू, अब ऑस्ट्रेलिया में कौन है, तो कंगारूज आपने पढ़े होंगे बहुत फेमस है, इसी तरीके से कोलास एंड बालाबीज, ये बहुत कॉमन एनिमल्स हैं जो हमको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। सो कैटल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल अक्रॉस ऑल ग्रासलैंड, तो इस समय ये पता चलता है कि सारे ग्रासलैंड में कोई ना कोई कैटल्स जो हैं वो वहाँ मिलते हैं। नाउ ग्लोबल वार्मिंग कॉसेस एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड लेस रेनफॉल इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हर जगह गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और रेनफॉल कम होती जा रही है, जिससे जो ये घास के मैदान है उनका इकोसिस्टम क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, बिगड़ता जा रहा है, थ्रेटन है ये एक तरीके से, और जो घास के मैदान है वो सूखते जा रहे हैं। ड्राइड ग्रासलैंड इकोसिस्टम थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, अब जो इन घास के मैदान में हमने इतने सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा और इतने सारे प्लांट्स जो है वो वहां ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स का वो ग्रेजिंग ग्राउंड है, अब सपोज दैट वही खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, उनको अफेक्ट होगा या नहीं, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ग्लोबल
वार्मिंग के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज के कारण हमारा जो सीजनल है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब समर्स बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, रेन बहुत कम होती है, तो क्या होगा, बैरन लैंड ज्यादा होंगे, सूखा ज्यादा पड़ेगा। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन टेम्परेट ग्रासलैंड इज एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग। मेजरली यहाँ पे एग्रीकल्चर और फार्मिंग करते हैं। सिंस द ग्रासलैंड हैव रिच सॉइल, ग्रासलैंड में मिट्टी तो अच्छी होगी, पीपल हेयर ग्रो वेरियस फूड क्रॉप, बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे कि कॉर्न, वीट, बार्ले, ओट्स एंड सोयाबीन, ये सारे क्रॉप्स आपने सुने होंगे। नाउ अनदर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पीपल इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, जानवरों को पालना, ये भी इनका एक मेन काम है। पीपल इन द ग्रासलैंड लिव इन द ह्यूज फार्म्स कॉल्ड रेंचेस और होमस्टीड इन नॉर्थ अमेरिका, मतलब बहुत बड़े बड़े घास के मैदान इनके होते हैं, लोग वहां रहते हैं, जिन्हें हम रेंचेस और होमस्टीड बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, और एस्टेंशियस बोलते हैं साउथ अमेरिका में, उन घास के मैदानों को जहां पे लोग रहते हैं और अपने जानवरों को पालते हैं। कैटल आर रेयर्ड हियर फॉर डेयरी प्रोडक्ट एंड मीट, अब अगर ये कैटल्स को पाल रहे हैं तो उनसे क्या मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट डेयरी प्रोडक्ट दूध मिलेगा, और दूध के बाद ये दूसरा यूज इनका क्या होगा, फॉर मीट। सो शीप रेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड फॉर बोथ मीट एंड वूल इन मेनी पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे पार्ट्स में शीप को अगर पाला जाता है तो दोनों चीज के लिए, मीट के लिए भी और वूल के लिए भी, शीप का तो फेमस है वूल, ऊन के लिए। लेट अस स्टडी अबाउट वन ग्रासलैंड इन डिटेल, अब देखो ये शीप क्या कर रहे हैं, ये ग्रासलैंड है, इसी को बोलते हैं घास के मैदान, ये ग्रेजिंग के लिए यहाँ आए हैं। नाउ लाइफ इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में लोगों की लाइफ कैसी होती है, तो यूरोपियंस केम एंड सेटल्ड हेयर, यूरोपियंस जो है यहाँ आए और सेटल्ड हो गए, दे कन्वर्टेड द ग्रासलैंड इनटू फार्मलैंड, ग्रासलैंड को इन्होंने फार्मलैंड में कन्वर्ट कर दिया। फार्म आर वेरी लार्ज इन एरिया एंड द फार्मर्स लिव्स ऑन फार्म विद देयर फैमिलीज, जो फार्म होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, और वो जो फार्मर है जो उधर खेती किसानी करता है वो अपनी फैमिली के साथ वहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द फार्मिंग वर्क इज डन बाय मशीन्स, बहुत सारा फार्मिंग वर्क जो है वो मशीन के थ्रू हो जाता है प्रोडक्ट। अब जब मशीन के थ्रू फार्मिंग होगा तो प्रोडक्शन भी इनका ज्यादा होगा, क्योंकि कोई काम 10 लोग को मिलके एक काम को कर रहे हैं वो एक ही मशीन कर दे रही, उनने दो मशीन लगा दी, उनको इतने लोग भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग तो छुट्टी मार लेते हैं फिर भी अवेलेबल नहीं होते, कभी बीमार पड़ जाते हैं, पर मशीन तो रेगुलर काम करती रहती है, तो इनका क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या है, ज्यादा है। द प्रोडक्शन इज लार्ज सो द फार्मर्स आर वेरी रिच, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है इसलिए यहाँ के किसान भी बहुत अमीर होते हैं। द सरप्लस क्रॉप इज स्टोर्ड इन साइलोस एंड प्रेरीज आर कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, प्रेरीज जो ग्रासलैंड है यहाँ इतना वीट ग्रो होता है कि यहाँ वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी इसे बोला जाता है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज इज हिली एंड लेस फर्टाइल, जो वेस्टर्न पार्ट है इसका वो पहाड़ वाला है और कम फर्टाइल है, यहाँ पे कैटल्स आर रेयर्ड ऑन ओपन ग्रासलैंड फॉर मीट, कैटल्स वगैरह यहाँ पे ग्रासलैंड्स में ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, यहाँ पे इनको काटा जाता है मीट वगैरह के लिए। लार्ज कैटल रेयरिंग एरियाज आर कॉल्ड रेंचेस, जहाँ बहुत सारे जानवरों को पाला जाए, किसके लिए, फॉर द मीट और वूल या मिल्क, तो वो कैटल उनको रेंचेस बोलते हैं। शिकागो इज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर स्लॉटरिंग कैटल, मतलब शिकागो में सबसे ज्यादा कैटल्स को मारा जाता है, स्लॉटरिंग कैटल, ठीक है, उनको मारना किसके लिए, फॉर द मीट। डेयरी फार्मिंग इज मोर पॉपुलर नियर सिटीज, डेयरी फार्मिंग जो है वो शहरों के पास ज्यादा पॉपुलर है। मिल्किंग इज डन बाय मशीन्स, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ दूध भी क्या है हम ही लोग जाके निकाल रहे हैं, ये मशीन्स के थ्रू होता है यहाँ पे। सो द प्रेरीज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, कम पॉपुलेशन है, क्योंकि मेजर रीजन यहाँ का किसमें इन्वॉल्व है, फार्मिंग में इन्वॉल्व है। दिस रीजन इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स, यहाँ पे मिनरल्स भी मिलते हैं, कोल, पेट्रोलियम। मेन इंडस्ट्रीज इस रीजन की क्या है, फ्लोर मिल्स, आटे की बड़ी बड़ी मिल्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, ओर क्रशिंग है, और मीट पैकेजिंग, मीट पैक वगैरह करने वाली ये इंडस्ट्रीज ज्यादा है। All the social and economical activities are largely influenced by climatic condition. जो भी social और economical activities होती हैं, वो climatic condition से क्या होती हैं? Affect होती हैं. Now downs, Australia के grassland को बोला जाता है, prairies, treeless grassland है, North America के livestock farming मतलब animals को पालना, किसके लिए? Use के लिए या pleasure के लिए, मतलब मार के उसको meat खा रहे हैं, वो क्या है? Pleasure activity है।
नाउ साइलस क्या है? अ डीप बिन फॉर स्टोरिंग मटेरियल्स, मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे बिन गड्ढे टाइप के बना लेना, या बहुत बड़े बड़े ऐसे कुछ पॉट होल्स वगैरह बना लेना, जिसमें वो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करें, क्रॉप्स को स्टोर करके रख सकें. नाउ वी हैव एक्सरसाइज टू डू, यू हैव टू डार्कन द करेक्ट वन लाइक दिस. बिफोर दैट वी हैव क्विक रिव्यू. तो प्रेरीज आर लोकेटेड फ्रॉम द सी इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका के अंदर है प्रेरीज. लाइव मिडवे बिटवीन किसके बीच में, इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में है. एवरेज टेम्परेचर समर्स हॉट होती हैं और विंटर वेरी कोल्ड होती हैं. वेजिटेशन में टॉल और शॉर्ट ग्रासेस ही होती हैं. यहाँ पे कैटल यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं ग्रास लैंड के. मेन ऑक्यूपेशन इन ग्रास लैंड में क्या है, एग्रीकल्चर या लाइव स्टॉक फार्मिंग, मतलब कैटल्स को पालना फॉर द मिल्क या फॉर द मीट. नाउ प्रेरीज आर कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का वीट बास्केट भी बोला जाता है प्रेरीज को. क्यों? क्योंकि वहां पे वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है. नाउ मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन ग्रासलैंड, मेनली कहां पे मिलेगा बच्चों, टेम्परेट जोन में. प्रेरीज लाई बिटवीन द, तो प्रेरीज इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में है. टू बिग रिवर विच फ्लो थ्रू द प्रेरीज, प्रेरीज में दो बिग रिवर्स फ्लो होती है, मिसिसिपी और मिसूरी. नॉर्थ अमेरिका द ग्रास लैंड आर कॉल्ड, नॉर्थ अमेरिका के ग्रास लैंड को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेरीज. अब बाइसन जो है, जो मेन एनिमल है कैटल, वो कहाँ पे मिलता है हमको, प्रेरीज में मिलता है. प्रेरीज आर नोन एज द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का वीट बास्केट भी बोला जाता है. यहाँ पे प्रेरीज है. नेक्स्ट प्रेरीज के बाद क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर भी प्रेरीज है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज समर्स इन द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो समर कैसे होते हैं, हॉट होते हैं. नेक्स्ट क्लाइमेट इन प्रेरीज इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो यहाँ का क्लाइमेट सी से क्या नहीं होता, इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है. यू हैव टू डार्कन द करेक्ट वन, है ना, आपको सर्कल नहीं करना है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. द प्रेरीज आर ऑलमोस्ट मिडवे बिटवीन द, तो इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में है प्रेरीज, है ना. तो यहाँ अगेन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज प्रेरीज वर ओरिजिनली ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर, सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रेजिंग ग्राउंड किसके लिए था, तो बाइसन्स जो है इनके लिए. नेक्स्ट बाइसन्स वर किल्ड बाय यूरोपियंस, यूरोपियंस जो है इन्हें मारते किसके लिए, फॉर मीट. मोस्ट ऑफ द वर्क इन प्रेरीज इज डन बाय मशीन, तो कौन सा वर्क, तो फार्मिंग वर्क जो है वो मशीन से होता है मोस्टली, है ना. तो दिस वन इज फोर्थ, बाइसन वन इज सेकेंड. नेक्स्ट इज यूरोपियन इज थर्ड. लास्ट फिफ्थ एस्टेंशियस. पीपल इन ग्रासलैंड लिव इन ह्यूज फार्म, जो साउथ अमेरिका में बड़े बड़े फार्म में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस्टेंशियस बोलते हैं, और रेंचेस बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में. नाउ ट्रू एंड फॉल्स, द यूरोपियंस कन्वर्टेड द फार्मलैंड इनटू ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका. फार्मलैंड्स को ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट किया है नॉर्थ अमेरिका में, तो नहीं, फार्मलैंड को ग्रासलैंड में क्यों कन्वर्ट करेंगे, ग्रासलैंड को फार्मलैंड में करेंगे. सो फॉल्स, प्रेरीज को क्या बोला जाता है, वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यस. नाउ डेयरी फार्मिंग इन प्रेरीज इज प्रैक्टिस नियर द रॉकी माउंटेन. फॉल्स, पहाड़ों पे कहाँ से होगा, सिटी के अंदर होता है. मोस्ट ऑफ द फार्मिंग डन इज डन बाय इन द प्रेरीज डन बाय मशीन, फार्मिंग वर्क जो है वो मशीन के थ्रू होता है, यस दिस वन इज ट्रू. प्रेरीज आर ट्रीलेस ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका, ट्रीलेस है, यस, ज्यादा यहाँ पे ट्रीज नहीं है, है ना, ग्रासेस ग्रासेस ज्यादा है. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेरीज ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका. यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है. लाइव स्टॉक मतलब कैटल को रेयर किया जाता है यूजफुल के लिए या प्लेजर के लिए, मतलब उनसे मिल्क मिल रहा है तो आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो, या फिर उन्हें अपने प्लेजर के लिए मारकर खा रहे हो, या उनका मीट बेच रहे हो. तो इस तरीके से ये क्या है, यहाँ की एक्टिविटीज हैं जो प्रेरीज में बहुत कॉमन है. सो इट्स ऑल अबाउट प्रेरीज. थैंक यू क्लास.